तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बाइक ट्रिप। बाइक ट्रिप या लेट्स चलो गो। लेट्स गो। तो स्वागत है दोस्तों लेह सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में, जहां पर मैं आपको ले जाऊंगा लेह के साइट सीन पर। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा इंडो पाक वॉर हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल, संगम व्यू पॉइंट और शांति स्तूप। दिन की शुरुआत होती है लेह के होटल से, जहां पर हमें मोटो टूर लद्दाख की तरफ से बाइक्स और उसके एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाती है। यहां पर इस तरह हमें मोटो टूर की तरफ से ये जैकेट्स और क्लोथ देने वाले हैं और साथ में एक हेलमेट भी रहने वाला है। इस पर हम आज से सफ़र शुरू करेंगे और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने इनका खुद का हेलमेट ये प्रोवाइड करने वाले हैं। कल हमारे साथ एक और जो फ्रेंड है हमें यहाँ पर मिले हैं लेह में, जो हमारा होटल है वहाँ पर, तो अभी मैं उनसे परिचय करवाता हूँ आपसे। हेलो सर, क्या है आपका नाम? हाउ आर यू? आपका नाम बताइए। आई एम फ्रॉम केरला, आई मेट अमे यस्टरडे, वी आर हियर फॉर द मोटर टूर, लाइक Hope you'll have a great time. Okay, thank you. How are you enjoying so far? Yeah, wonderful. Yeah, looking forward to it. और सारी तैयारी के बाद हमारा दूसरे दिन का सफर शुरू होता है। हॉल ऑफ फेम भारतीय सेना द्वारा भारत पाक युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में समर्पित एक संग्रहालय है। ये हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिकों द्वारा किए गए महान बलिदानों की याद दिलाता है। हॉल ऑफ फेम के अंदर दो मंजिले हैं। यहाँ पर आपको इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी मिलती है, सैनिकों द्वारा उनके परिवारों को लिखे गए पत्र, युद्ध के दौरान क्लिक की गई तस्वीरें, कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार आपको यहाँ देखने मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर आर्मी के द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी को भी यहाँ देखा जा सकता है। और देश सेवा के इस गर्व से भरे मुकाम के बाद हमारा सफर चल पड़ता है ईश सेवा के एक शांतिपूर्ण स्थान की ओर। ऐसा माना जाता है कि 1515 और 18 के दौरान जब गुरु नानक सिक्किम, नेपाल और तिब्बत की यात्रा के बाद श्रीनगर के रास्ते पंजाब लौट रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। जब वे लेह पहुंचे तो वे यहां ध्यान करने बैठे। यहीं पर गुरु नानक जी ने एक राक्षस पर विजय प्राप्त की, जो उन्हें एक शिलाखंड से कुचलने की कोशिश कर रहा था, और उस शिलाखंड या पत्थर के वजह से ही इस जगह का नाम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पड़ा। उस पत्थर को आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। और फिर गुरुद्वारा में लंगर का आस्वाद लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं मैग्नेटिक हिल की ओर। मैग्नेटिक हिल के इतिहास में सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि यहाँ के पहाड़ी से निकलने वाली एक चुंबकीय शक्ति जो अपनी सीमा के भीतर आने वाले वाहनों को खींचती है। असल में इस पहाड़ी ने अतीत में भारतीय वायुसेना के विमानों को चुंबकीय हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने मार्ग को मोड़ने का कारण बना दिया है। और फिर हम निकल पड़ते हैं
संगम व्यू पॉइंट की ओर। यहाँ पर आपको दो नदियों का संगम देखने मिलता है। पहली नदी है इंदस नदी और दूसरी जंस्कार नदी। इंदस नदी के बारे में बताया जाए तो यह नदी तिब्बत के सेंकेंग जंगबो और गार सेंगपो नदियों के संगम पर बनती है। इसके बाद यह भारत में लद्दाख में बहती है, जहाँ पहले श्योक नदी और फिर जंस्कार नदी इसमें मिलती है, फिर नदी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे पास समय होने के वजह से हम निकल पड़ते हैं शांति स्तूप को देखने। शांति स्तूप लेह जिले के चंस्पा में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसे सन 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु क्योमो नाकामुरा द्वारा बनाया गया था। शांति स्तूप अपने आधार पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखता है, जो 14वें दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठापित है। स्तूप के केंद्रीय भाग में स्वर्ण बुद्ध की छवि धर्म के घूमने वाले चक्र या फिर धर्म चक्र को दर्शाते हुए एक मंच पर बैठी हुई दिखती है। दूसरे सर पर भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु और शैतानों को पराजित करते हुए ध्यान करते हुए दर्शाया गया है। फिर हम निकल पड़ते हैं होटल की तरफ और वहाँ पर आराम करने के बाद हम आते हैं लेह मार्केट में। और यहाँ की फेमस कावटी जो आपको 80 रुपए में मिल जाएगी। लेह में अगर आप अप्रैल और मई के बीच में आते हैं तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। रात को तो तापमान करीब -1 डिग्री या 2 डिग्री तक नीचे चला जाता है। तो एज अ प्रिकॉशन ठंड से बचने के लिए हमने फेस मास्क और ग्लव्स खरीद लिए, जो यहाँ कई दुकानों में मिल जाते हैं। फिर होटल लौटने के बाद हमारे ग्रुप कैप्टन्स ने हमारे कल की जर्नी के बारे में हमें जानकारी दी, खासकर आपको गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, रास्ते कैसे मिल सकते हैं और चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं।